और इस वक्त की बड़ी खबर उसी मामले से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। लगातार बीजेपी विधायक की गुंडागर्दी का मामला जो है वो सामने आ रहा है। आप कुछ देर पहले मैं आपको खबर दिखाई थी कि बीजेपी विधायक की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था और अब यहाँ पर बिजली का कनेक्शन उन्होंने कटवा दिया है। बड़ी खबर जो है बीजेपी विधायक से जुड़ी आ रही है। मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त काफी उछा पटक देखने को मिल रही है। बीजेपी की सरकार वहां पर है और अब यहां पर बीजेपी विधायक धोखाधड़ी का मामला सामने आया था और अब यहां पर साफ तौर पर गुंडागर्दी का मामला जो है वो देखा जा रहा है। बिजली का कनेक्शन उन्होंने कटवा दिया है। रिपोर्टर को न्यूज टाइम की धमकी दी जा रही थी। लगातार उस पर जो है दबाव बनवाया जा रहा था, प्रशासन को राष्ट्रीय दबाव बनाया जा रहा था कि खबर को टीवी पर ना प्रसारित करें, इस खबर को ना उठाए, आगे की जांच ना करें। और अब इस धमकी के बाद बिजली का कनेक्शन जो है वो कटवा दिया गया है। न्यूज के दफ्तर का मध्य प्रदेश में जो कि ब्यूरो है वहां का, हमारे से सौरभ गुप्ता जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हैं। सौरभ, तफसील से पूरा मामला बताइए। देखिए मोनिका, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के विधायक की जो हम खबर दिखा रहे थे अपनी पूरी पड़ताल के साथ, पूरे तथ्यों के साथ में, उससे साफ जाहिर हो गया था कि बीजेपी विधायक ने जो दस्तावेज उस समय निर्वाचन आयोग को दिए थे जब चुनाव होने थे, वो पूरी तरीके से फर्जी है, पूरी तरीके से जाली थे। तो विधायक ने हम लोगों को काफी मतलब धमकियां दी थी और अपनी दबंगे दिखाने की कोशिश की थी। बाकी जब हमने खबर को चलाने से और पड़ताल से नहीं रुके, हम लोग नहीं दबे, तो अब उन्होंने अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र का बिजली का गुल करा दी है और वहाँ के अधिकारियों को इतना दबाव में ले लिया है और वहाँ की जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि ऐसी कोई खबर वो देख ही ना पाए, इसलिए उस पूरे क्षेत्र की सारंगपुर विधानसभा की बिजली उन्होंने बंद करा रखी है। जी मोनिका, सौरभ पूरे इलाके की बिजली बंद करवा दी गई है। स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? ना सिर्फ टीवी देखने की समस्या बल्कि और भी कई चीजों की दिक्कत उनको पेश आएगी। जी बिल्कुल मोनिका, वो जनप्रतिनिधि है, जनता ने उनको चुनकर पहुंचाया था, लेकिन जब चुना था उस समय से ही वो धोखेबाज हैं और उन्होंने धोखाधड़ी की थी। धोखाधड़ी की दम पर वो उस रिजर्व सीट पर आए थे और आज दिन तक वो जनता उनको झेल रही है, क्योंकि वहां जनता के बीच में वो कभी पहुंचते नहीं थे। आज जब हम लोगों ने सच का साथ देते हुए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की, उन तक ये खबर पहुंचाने की कोशिश की, तो उन्होंने पहले हम लोगों पर यानी हमारे न्यूज टाइम की पूरी टीम पर दबाव बनाया, धमकियां दी, प्रशासनिक अधिकारियों से दबाव डलवाया। जब हम लोग नहीं माने, हम लोगों ने खबर को दिखाया, तो आज उन्होंने जनता तक उस खबर को पहुंचने से पहले ही वहां की कनेक्शन, वहां की बिजली को पूरी तरीके से ठप करा दिया। जी सौरभ, क्या बिजली अभी कुछ देर पहले ही काटी गई है? जी, जब हमारे चैनल पर अभी बुलेटिन चल रहा था जिसमें हमने हेडलाइन में खबर लगाई थी, हेडलाइन तक खबर देखी गई है। हेडलाइन में खबर देखने के बाद से एक फोन बिजली के दफ्तर में जाता है और वहां से पूरी ये कहकर बंद कर दी जाती है कि अभी जो लोड शेडिंग का काम है वो चल रहा है और इस कारण से बिजली काफी देर तक नहीं आने की संभावना है। जी सौरभ, सौरभ क्या कुछ बात हो पाई है? क्या आगे बिजली कब तक आएगी? क्या वो लगातार इस बिजली को बंद रखेंगे? हमारे संवाददाता लगातार, हमारी एक टीम राजगढ़ की सारणपुर विधानसभा में ही है इस वक्त और वो बिजली के दफ्तर में गए और उन्होंने पूछा कि आखिरकार बिजली अचानक कैसे चली गई। तो चूंकि विधायक का फोन आया था, वो लोग डायल तो नहीं कह पा रहे हैं कि किसके कहने पर ये बिजली बंद की गई है, लेकिन हमारे सूत्रों ने ये साफ कर दिया कि कुछ देर पहले यहाँ पर बिजली के दफ्तर में एक फोन आता है और यहाँ पे पूरी तरीके से सारणपुर विधानसभा की बिजली बंद करने के किसी को निर्देश मिलते हैं और उसके बाद से ही बिजली बंद हो जाती है। बार बार जो जनता पूछ रही, जो हम लोग पूछ रहे हैं कि बिजली आखिरकार क्यों बंद है, तो उसमें सिर्फ एक नाम दिया जाता है कि लोड शेडिंग का काम चल रहा है, जिस कारण से बिजली आई है, यह भी कहना मुश्किल है। जी यानी सरासर दबंगे गुंडागर्दी जो है वो देखने को मिले, लेकिन आखिर कब तक रोक पाएंगे वो इस खबर को, लोगों तक ना पहुंचने से? जी बिल्कुल मोनिका, खबर तो उन तक भी पहुंच गई है और जनता तक भी हम लोग पहुंचाने की पूरा प्रयास कर रहे हैं। सारंगपुर विधानसभा में फिलहाल लोग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन राजगढ़ जिले में देख रहे हैं, वो राजनेता देख रहे हैं, वो विधायक देख रहे हैं जिन्होंने उनकी निंदा की थी और खुद गौतम चैटवाल अपने घर पर अपने टीवी सेट पर इस खबर को देख रहे हैं और उस खबर को देखने के बाद बौखला रहे हैं, अपने सूत्रों से इससे निपटने की बात कर रहे हैं कि आखिरकार अब इन लोगों से, न्यूज टाइम की टीम से, या इस खबर से कैसे बहाल हुआ जाए। चलिए आप खबर पर लगातार नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया सौरभ। तो ताकि न्यूज टाइम की खबर का असर, खबर जो है लोगों तक ना पहुंचे, इसलिए पूरे इलाके की बिजली जो है वो गुल करवा दी गई है। सारणपुर सीट से पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले बीजेपी विधायक गौतम टेटवाल, ना सिर्फ उनकी
धोखाधड़ी सामने आई, बल्कि उनकी दबंगई ये देखने को मिल रही है। पूरे इलाके की बिजली जो है वो गुल करवा दी गई है, ताकि जो इलाके के लोग हैं, जो उनकी विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, वो टीवी ना देख पाए, इस खबर से वाकिफ ना हो पाए। क्या सिर्फ इतना कर लेने मात्र से वो ये खबर लोगों तक पहुंचने से रोक लेंगे, बड़ा सवाल है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।